तो यारो, यदि आप सांपों की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आपने मुरली वाला हौसला के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि YouTube पर एक स्नेक रेस्क्यूअर के रूप में बहुत ही ज्यादा फेमस है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मुरली वाला हौसला के बारे में ही बात करेंगे। हम जानेंगे कि वो कितना कमाते हैं, उनके पास कौन सी कार है और उनका असली नाम क्या है, और भी दोस्तों बहुत कुछ। तो वीडियो शुरू होने से पहले, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुरली वाले हौसला का असली नाम आकाश कुमार है। आकाश कुमार एक पशु बचावकर्ता, सांप पकड़ने वाला, वन्य जीव रक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता है। मुरली वाले हौसला एक बहुत ही लोकप्रिय यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, जिनके लाखों फैंस हैं और इनके वीडियोस पर अरबों व्यूज हैं। ज्यादातर पहचान मुरली वाले हौसला को इनके यूट्यूब चैनल के सांप पकड़ने वाले वीडियो से मिली है। इनके जन्म स्थल और फैमिली की बात करें तो मुरली वाले हौसला का जन्म 3 मई 1991 को जौनपुर जिले में हुआ था। 2023 में मुरली वाले हौसला की उम्र 32 साल है। वर्तमान में ये जौनपुर जिले उत्तर प्रदेश में रहते हैं तथा अपने आसपास सांपों को बचाना और सामाजिक कार्य करते रहते हैं। मुरली वाले हौसला के परिवार के बारे में अभी हमें कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है, और जैसी हमें कोई जानकारी मिल जाएगी हम अपलोड कर देंगे। वैसे दोस्तों, आपको बता दें, मुरली वाले हौसला की शादी हो चुकी है। इनकी पत्नी का नाम समधि कुमारी है। बाकी इनके बच्चों के बारे में अभी कोई भी जानकारी नहीं है। यदि एडुकेशन और क्वालिफिकेशन की बात करें तो मुरली वाले हौसला ने अपनी स्कूल की पढ़ाई सूर्यबली सिंह पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की है, और अपने कॉलेज की पढ़ाई वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से की है। मुरली वाले हौसला ने ग्रेजुएशन में BBA किया है। मुरली वाले हौसला की स्नेक कैचिंग जर्नी की बात करें तो उन्हें वर्ष 2001 अपने बचपन से ही सांपों को पकड़कर बचाने का कार्य कर दिया था, क्योंकि इनके गांव में लोग सांपों को मार दिया करते थे। इसी बीच मुरली वाले हौसला ने एक दुकान भी खोला था, जहां ग्राहक कम आते थे तो लता मंगेशकर की गीत बजाया करते थे, जिससे काफी ग्राहक आने लगे फिर उन गानों को सुनने के लिए। मुरली वाले हौसला अपने पिताजी की खेती में मदद करते हुए और अपना दुकान चलाते हुए इसी तरीके से लगातार सांपों को पकड़ने का कार्य करते रहे। इंटरनेट के इस युग में सोशल मीडिया पर और यूट्यूब पर कई लोग बहुत पॉपुलर हो रहे थे, तो इसी को ध्यान में रखते हुए मुरली वाला हौसला ने अपना यूट्यूब चैनल को शुरुआत किया, वो भी 26 फरवरी 2019 को, और उस पर सांपों को पकड़ने से संबंधित वीडियोस को डालना शुरू कर दिया। वर्तमान समय में मुरली वाले हौसला के यूट्यूब चैनल पर 87 लाख से भी अधिक सब्सक्राइबर्स हैं तथा लाखों में व्यूज आते हैं उनके हर वीडियोस में, और कई वीडियोस में करोड़ों व्यूज भी हैं। मुरली वाले हौसला ने जरूरतमंदों की मदद करने के लिए मुरली वाले हौसला फाउंडेशन की भी स्थापना की है। ये संस्था गरीब तथा जरूरतमंद लोगों की सहायता करती है। इसके साथ ही 2019 में ही ब्लॉग चैनल भी शुरू कर दिया था, और उसका नाम मुरली वाले हौसला ब्लॉग्स है, और उस चैनल में करीबन 8 लाख के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं। तो दोस्तों, यदि इनके यूट्यूब इनकम की बात करें तो इनके 2 यूट्यूब चैनल हैं, जिन पर लाखों में व्यूज आते हैं, जिस कारण इनकी कमाई भी हर महीने लाखों में होती है। एक अनुमान के मुताबिक ये अपने YouTube चैनल की मदद से हर महीने का 10 लाख रुपए तक कमा लेते हैं। इस कमाई की जानकारी इंटरनेट से ली गई है, इसलिए सटीक जानकारी नहीं है बल्कि अनुमानित है। दोस्तों, इनके कार कलेक्शन की बात करें तो अक्टूबर 2022 में एक टाटा कंपनी की तरफ से इनको टाटा हैरियर कार गिफ्ट मिली थी। दोस्तों, यदि आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।